बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वासिल और आप मेरा YouTube चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्तों से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS150 की हेडलाइट चेंज करने का तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी हेडलाइट और हेडलाइट की हांडी कैसे चेंज करते हैं। इसकी जो जेन्युइन हेडलाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी दोस्तों, ये इसकी जेन्युइन हेडलाइट है और इस हेडलाइट की कीमत जो है तकरीबन है 1300 रुपये इसकी हेडलाइट की कीमत है। ये आपको जेन्युइन हेडलाइट इसकी शोरूम से भी मिल जाएगी, 1300 रुपये की इसकी हेडलाइट है। तो जी दोस्तों, ये इसकी हेडलाइट की हांडी है, ये आपको शोरूम से तकरीबन 350 रुपये की मिलेगी और ये टोटल आपका जो ये हेडलाइट का सेट है ये तकरीबन बन जाता है 1650 रुपये का। जी दोस्तों, अब ये हेडलाइट हम इसमें फिट करेंगे तो इसके लिए जो है आपके पास 12 नंबर की टी का होना ज़रूरी है। तो जी दोस्तों, 12 नंबर के टी डार से आप इसकी ये हेडलाइट की हांडी खोल लें। तो जी दोस्तों, ये इसकी अब पुरानी लाइट हमने खोल ली है और इसकी ये जो हेडलाइट की हांडी है ये भी इस तरीके से ही आपकी बाहर आ जाएगी। तो अब हम इसकी जगह नई हेडलाइट की हांडी लगाएंगे। तो जी दोस्तों, ये इसके तो जी सबसे पहले तो आप इसकी वायरिंग इसकी ये इसकी हांडी में आप लगा लें। और उसके बाद आप इसके इन पेचों को लगा लें। पेचों को लगाने के बाद आप इसकी इस लाइट की फिटिंग अच्छे तरीके से आपकी हो जाएगी। इसकी जो पेचों की फ़िटिंग है ये आपको नई लाइट के साथ ही मिलेगी अगर आप शोरूम से लाइट लेते हैं। तो जी दोस्तों, इसकी आप ये इशारे की तारे लगा लें और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग को आपने किस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करना है, क्योंकि हेडलाइट का पेज इधर कर लेते हैं, क्योंकि लाइट की जगह इधर बन जाएगी तेरे भी। दूजी ग्रिप जी दोस्तों, इसकी लाइट जो है अपने अंदर से इस तरीके से फिट करनी है कि आपकी जो नई लाइट आप लगाएंगे कि वो इसके बीच में आ जाएगी, इस लाइट के बीच में। तो अब हम इसकी नई लाइट लगाते हैं और चेक करते हैं चला के चल रही है कि नहीं है। तो जी दोस्तों, अब हमने जो है ये नई लाइट फिट करके जो है ऑन करके चेक कर ली, तो इसके दोनों पॉइंट काम कर रहे हैं। तो अब हम इस लाइट को बंद करेंगे। तो याद रखें दोस्तों, इसकी लाइट जो है सुजुकी GS150 की लाइट जो है वो थोड़ी मुश्किल से बंद होती है। तो इसकी लाइट को आप बंद कर दें और इसके इस कवर को भी आप लाजमी उतारें, क्योंकि ये कवर जो है मेल्ट होने के बाद, गाड़ी चलने के बाद ये कवर आपको ऊपर लग चिपक जाता है। चल बंद कर, पेज आएगी। तो जी दोस्तों, अब जैसा कि ये हमने इसकी हेडलाइट ऐसे तो जी दोस्तों, इस बाइक की हमने जो है हेडलाइट जो है वो फिट कर दी है, इसकी नई हेडलाइट। ये तकरीबन 1650 रुपए का इनका ये खर्चा हुआ है। इसकी ओरिजिनल हेडलाइट है और ओरिजिनल हांडी है। पुरानी हेडलाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी और इस लाइट के दोनों पॉइंट भी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया कि इसकी आप हेडलाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मान लीजिएगा।